हम अभी बैठे हैं आचार्य पवन दत्त जी के साथ बैठे हैं और बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और इनके बारे में और भी कुछ बताएंगे, लेकिन हम आज इनसे जो बात करेंगे कि देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो चिंता है इस भारत की जो सनातन का, उस पर इनकी राय जानना चाहेंगे। आपका बहुत स्वागत है हमारे एनए में। हम जानना चाहते हैं कि आप जनसंख्या को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या सरकार को करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा एक शब्द है संस्कृत का, उसमें ये बताया गया है कि ब्रह्म की जिज्ञासा प्रत्येक मानव में होनी चाहिए। लेकिन भर्तृहरि जी, दधीचि जी और जितने भी सप्त ऋषि हुए हैं, इन सप्त ऋषियों के माध्यम से उस समय एक ऐसा बिंदु रखा गया कि भारत भूमि हो अथवा कोई भी पृथ्वी पर कहीं भी जब भार बढ़ेगा तो उस समय विनाश की ओर अग्रसर होगा। और आज की स्थिति में जो मैं देख रहा हूँ, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हम दो हमारे दो ये चलता आ रहा है कि हम दो पति पत्नी हो गए, हमारे दो बच्चे हो गए। लेकिन किसी समुदाय में हम दो हमारे 12, और साथ साथ में यहां की जनसंख्या की वृद्धि क्रम तो हो ही रहा है, साथ में प्रत्येक बॉर्डर से, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कहीं किसी भी तरफ से कोई ना कोई समुदाय के लोग, कोई ना कोई लोग घुसते चले आ रहे हैं। हमारे भारत के लोग जो ऋषि पुत्र कहे गए हैं वो इतने कमजोर हो गए हैं क्या कि 500 रुपये 1000 रुपये लेकर के अंदर प्रवेश करा देते हैं। आज की स्थिति में मैं सरकार से जानना चाहता हूं और सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए जितने अधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप ध्यान नहीं देंगे, आज देर हो चुकी है। ऐसा आप मत माने कि देर नहीं, अभी आगे करेंगे जाके, आज देर हो चुकी है। लेकिन जब आपकी नाक तक पानी आ गया है, आप जब सांस नहीं ले पाएंगे तो आप कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। आप करने लायक बनेंगे तब बनेंगे जब आज आपका यथोचित एक भाव से, एक दृष्टि से, एक समायोजन से इसके ऊपर कोई ना कोई आपको रूल लाना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए अनुपयोगी है। और एक समुदाय, जैसे हम कहते हैं, कहीं एक चर्चा चली है किसी देश में कि हिंदू को बचाओ, एक देश कह रहा है कि हिंदू को बचाओ। क्यों कह रहा है? क्योंकि हिंदू अगर जो नहीं बचेगा तो परंपराएं नहीं बचेंगी, हिंदू अगर जो नहीं बचेगा तो शरीर की शुद्धिकरण नहीं बचेगा, शरीर में सात्विकताएं नहीं बचेंगी, सात्विक भोजन नहीं बचेगा। इसलिए कई देश, कई ऐसे लोग, कई ऐसे प्रतिभाशाली युवक युवतियां सब कहते हैं कि एक धर्म को बचाया जाए, एक सनातन को बचाया जाए। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप राष्ट्र के हित के लिए आए हैं, आप राष्ट्र का हित सोचिए और करिए तत्काल। और आप राष्ट्र धर्म के हित के लिए आए हैं, आप धर्म करिए और उस पर ध्यान दीजिए। मंदिर बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, लेकिन छोटे छोटे मंदिर टूटे हैं क्या? छोटे भी व्यक्ति होते हैं, बड़े भी व्यक्ति होते हैं, तो बड़ा व्यक्ति तो एक बार बड़ा हाथी गिरता है तब भी उसे जमीन बड़ी चाहिए होती है, लेकिन जब छोटा व्यक्ति गिरता है तो उससे चींटी भी नहीं मरती, या छोटा व्यक्ति गिरता है उसे कोई पूछता नहीं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए और बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण का कार्य तत्काल किया जाए, यह मैं मांग करता हूं। और साथ साथ में इस प्रकार की मांग के साथ में मैं इसके लिए सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। जहां से आप चाहें, जहां से लोग चाहेंगे, हमारे साथ में बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे लोग हैं, और मैं धर्म की नीति से और राष्ट्र की नीति से, संस्कृति की नीति से, ऋषि परंपरा से, राज परंपरा से, जो राजा लोग हैं उनकी परंपरा से, राजा लोगों का एक ध्येय होता था कि हमारी प्रजा में किसी भी प्रकार से जनसंख्या ना बढ़े, जिसके हम रक्षा कर सके। अपनी प्रजा का पालन वही राजा कर सकता है जिसकी जनसंख्या उसके नियंत्रण में होगी। लेकिन दिल्ली की कागजों में देखा जाए तो 1.5 से 2 करोड़ जनता आती है कि दिल्ली में इतने लोग हैं, लेकिन अगर जो आप खोजेंगे तो 3.5-4 करोड़। कहां से आगे लोग क्यों आगे, जिनके पास आईडी नहीं है, जो आईडी बनवा रहे हैं, जो प्रूफ करा रहे हैं, जो अपने प्रूफ दिखा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कोई भीख मांग रहा है तो अन्य देश का निकल रहा है, कोई माला डाल करके घूम रहा है वो भी अन्य देश का निकल रहा है, कोई धार्मिक अपने आप को कह रहा है वो भी अन्य देश का निकल रहा है। और जो वास्तविक लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो इस भारत के, जो इस खून से, इस पृथ्वी से, भारत भूमि से निकले हुए अन्न को खा करके बड़े हुए, आज उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। तो ये भैया, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, जो राजा हैं, इस देश की परंपराओं को चलाने वाले हैं और इस देश की राष्ट्रीयता के लिए जिनको नियुक्त किया गया है,
आपको नियुक्त किया गया है, आप तत्काल ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं इस आंदोलन को बढ़ाऊंगा और आपके लिए सोचने पर विवश करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा इस पर ध्यान। एक छोटा सा और भी है कि अभी संसद का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र भी 2 महीने बाद होने वाला है, तो क्या आप कोर्ट मांग करेंगे सरकार से कि इस सत्र में बिल को लाया जाए? मैं तत्काल मांग करूंगा, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ करके महादेव से प्रार्थना करते हुए, माँ गंगा से, हरिद्वार से हूँ मैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए, देखो सबके लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी हो, मैं मुस्लिमों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप दो, आपके दो, आप हित, आपका हित है, आपका जीवन का हित, आपके 12 होंगे तो निश्चित रूप से आपका भी गर्दन काटेंगे वो, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। एक पत्नी कंट्रोल में नहीं रहती है, जब उसकी संतुष्टि नहीं कर सकते तो दो दो चार चार पत्नियां, उनके बच्चे, क्यों क्यों आप भ्रम में फैले हुए हैं, आप उस परंपरा में क्यों जा रहे हैं? आज देखिए 20वीं सदी भी क्रॉस हो रही है, एक कहते थे कि 18वीं सदी 19वीं सदी, आज 20वीं सदी भी क्रॉस हो रही है, 20वीं सदी के बाद भी आप अगर जो गधा वृत्ति और पशुवत समानाम पशु की वृत्ति से चल रहे हैं तो इसमें दोष किसी और का नहीं। इसलिए आप ध्यान दें, इस भारत भूमि की जनसंख्या, आपके पास खेत बच रहा है 1 बीघा, 1 बीघा में से 1 क्विंटल अगर जो अनाज आता है तो आप कितने दिन खा लेंगे, महीने 2 महीने, तो आप अपने आप को कम से कम, खेत आपके पास में 1 बीघा 1 एकड़ है तो 1 एकड़ से निकलने वाले 3 क्विंटल अनाज से आप तोलिए, नाप तोल करिए कि आपके बच्चे कितने और आप पति पत्नी कितने दिन खा सकेंगे, जितने दिन आप उस भूमि से खा सकते हैं उतने ही बच्चे पैदा करो, क्यों ज्यादा जा रहे? इसलिए दीमक की तरह मत पड़ो, दीमक घर का विनाश करती है, लकड़ी का विनाश करती है, दीवार का विनाश करती है, और हर प्रकार से दीमक विनाशकारी ही होती है। मैं चाहूंगा शीतकालीन, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र में मैं दिल्ली आ जाऊंगा, और दिल्ली आकर के मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे मिलकर के एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए और अतिशीघ्र इसको जनसंख्या पर कार्रवाई की। जनसंख्या को लेकर चिंता का विषय है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और राष्ट्र के जो लोग भी हैं जो देश को चलाते हैं उनको, उनके लिए भी है। सो अभी आचार्य जी ने बताया कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को लाया जाए, इसको पास किया जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर दोनों पार्टियों को, पक्ष हो या विपक्ष हो या देश में जो भी लोग रहते हैं, इन पर बात करना चाहिए, बैठ के इस बिल को पास करना चाहिए, क्योंकि देश खतरे में है, और देश जब खतरा होगा तो सनातन और हिंदू भी खतरे में पड़ जाएंगे, और अगर नहीं बचेगा तो दुनिया का इकलौता देश, पूरे दुनिया में अगर हिंदू सिर्फ है तो भारत में ही है, वो भी खत्म हो जाएगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग को मिलकर लड़ना होगा, आपको भी आना होगा, और ये आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, और इस आंदोलन में हम लोग का भी सहयोग रहेगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार पर इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो, ताकि देश और हिंदू और सनातन बचे, तभी हम लोग बचेंगे। जब से सबसे पहले राष्ट्र बचे तब हमें, हमारा वजूद राष्ट्र के बाद होता है। मैं बीराज बाबुल, ANA, नई दिल्ली।